नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि फाइबर कास्ट क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस है और इसको कैसे लगाया जाता है। अंत तक हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंटरप्रेन्योर, सोशल एक्टिविस्ट एंड चेयरमैन ऑफ श्री साई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एंड बेलोदिया फार्मा। आई एम प्राउड फादर ऑफ पेशेंट एंड हस्बैंड ऑफ लवली वुमन। इस वीडियो में मैं आपको फाइबर कास्ट लगाने का तरीका बताऊंगा और इसमें क्या फायदा है। एक्चुअली मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्लास्टर क्या रहते हैं और उसके क्या बेनिफिट होते हैं। और ये फाइबर कास्ट आज इस पेशेंट को लगाएंगे, इनके घुटने में थोड़ा फ्रैक्चर हो गया है। और फाइबर कास्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये थोड़ा हल्का रहता है, लगाने में भी थोड़ा सा इसका प्रोसीजर अलग रहता है। इसको ग्लव्स पहन के ही लगाते हैं क्योंकि ये चिपकता है, तो इसलिए इसको ग्लव्स पहन के ही हम लोग लगाते हैं। तो सबसे पहले तो जहाँ भी लगाना है तो थोड़ा सा हम लोग पाउडर लगा देते हैं। पाउडर लगाने के बाद से, कॉटन रोल लगाने के बाद से, कितना लोग इसके ऊपर से स्टॉकिनेट भी यूज करते हैं, लेकिन हम लोग स्टॉकिनेट नहीं यूज कर रहे हैं। और ये रहा प्लास्टर। एक्चुअली ये एयर टाइट कंटेनर में रहता है, इसको एयर से निकलेंगे ना तो ऐसे ही खराब हो जाता है, तो एयर टाइट कंटेनर ही चाहिए। इसको हम लोग पानी में थोड़ा गीला कर लेते हैं। तो ये एक नेचुरल पोजीशन रख के, जो फंक्शनल पोजीशन रहता है नी का, उस पोजीशन में हम लोग इसको लगाते हैं। लगाने का प्रोसीजर सिंपल रहता है, लेकिन जैसे प्लास्टर में बहुत सारा रोल लगाना पड़ता है, लेकिन ये एक जगह पे दो या तीन लेयर भी रहे तो अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है। और एक तरह से ये फाइबर माने एक प्लास्टिक है, एक स्पेशल तरह का प्लास्टिक है। इसमें बेनिफिट यही है कि बहुत ही लाइट वेट रहता है। नॉर्मली जो प्लास्टर अगर का वजन अगर इसको नीचे नॉर्मली जो लगभग हम लोग प्लास्टर लगाते हैं उसका वजन अगर 1 kg है तो ये लगाए तो ये लगभग 100 से 150 ग्राम इसका वजन पड़ता है। इसको नॉर्मल इस पोजीशन में ना रखना है। तो इसमें क्योंकि ये बड़ा एरिया, इसलिए इसमें दो प्लास्टर लगेंगे। इसमें दो प्लास्टर हम लोग लगाते हैं। एक्चुअली देखेंगे तो ये जो ग्लव्स पे भी चिपक जाता है। जहां मूवमेंट वाला जगह है, ज्वाइंट है, वहां पे एक दो लेयर थोड़ा ज्यादा लगाते हैं। और मोल्डिंग अच्छा हो इसके लिए एक कॉटन बैंडेज को थोड़ा गीला करके एक बार इसमें एक लेयर इसमें इसे लगा देते हैं ताकि इसका मोल्डिंग अच्छा हो। इसको बिल्कुल 90 डिग्री पर रखना है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं कर देना है। नी को थोड़ा सा फ्लेक्शन में रखना है, थोड़ा सा मोड़ के रखना है, हल्का सा। अब ये टाइट होना शुरू हो गया है। ये भी जब टाइट होता है तो थोड़ा सा हीट छोड़ता है, थोड़ा गर्म होता है। ये कॉटन, गीला कॉटन लगाने से थोड़ा सा हीट भी ऑब्जर्व करता है और दूसरा कि मोल्डिंग में भी ये थोड़ा हेल्प करता है। एक बार टाइट हो गया तो ये जो कॉटन का रोल है, ये जो बैंडेज का रोल है, इसको निकाल देते हैं और जो इसके मार्जिन्स को, इसको फोल्ड करके यहाँ पे हम लोग ये लगा देते हैं। क्या उसको बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट लगा देते हैं। ल्यूकोप्लास्ट लगा देते हैं ताकि इसकी एजेस, क्योंकि बिल्कुल साफ एज हो जाता है और ये चुभने लगता है जो किनारा रहता है, तो इसलिए इसमें ल्यूकोप्लास्ट लगा देते हैं ताकि वो किनारा चुभे नहीं। अब इसको, क्योंकि अब टाइट होने लगा है, इसको निकाल देते हैं। तो ये प्लास्टर का सबसे बड़ा खूबी तो ये है कि ये थोड़ा कलरफुल रहता है, नॉर्मली जो प्लास्टर रहता है, लेकिन कलर तो एक कॉस्मेटिक इम्पोर्टेंस, सबसे मेन इम्पोर्टेंस है कि इसका ये बहुत ही लाइट वेट रहता है, वजन के हिसाब से बहुत कंफर्टेबल रहता है। इसमें तो ऐसा भी है कि ये ब्रीदेबल भी रहता है, इससे एयर थोड़ा पास भी होता है तो खुजली वगैरह का चांसेस भी थोड़ा कम रहता है। क्योंकि इसमें नीचे में एक कॉटन लगाए हैं तो नहा तो नहीं सकते हैं, पानी लगाने से तो दिक्कत है, लेकिन इसमें पानी गया तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल जो प्लास्टर रहता है कि पानी गया तो वीक हो जाता है, इसमें पानी जाने से वीक नहीं होता, तो ये बेनिफिट है।
और ये फाइबर कास्ट के बेनिफिट हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे दूसरे लोगों को ही शेयर करिए, और तमाम लोग जो जानना चाहते हैं क्या डिफरेंस रहता है डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्लास्टर में, फाइबर कास्ट में, नॉर्मल पीओपी कास्ट में, रेडीमेड कास्ट में, और एक नया जो हमने एक वीडियो भी बना के आपको दिखाया था, एक जो हाइब्रिड मेस जो रहता है, हाइब्रिड मेस जो वो भी एक नया आया है, वो इससे भी हल्का रहता है और उसमें पोर्स जैसे रहते हैं जिसमें आप बाथिंग भी कर सकते हैं, नहा भी सकते हैं, उसमें पानी भी जाने से दिक्कत नहीं रहता। और नया है, आप उसका वीडियो भी मैंने एक बना के दिया हुआ है यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल, थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।